मध्य प्रदेश शासन के नगरी विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने सागर में हुए जलभराव क्षेत्र के नालों पर बने अतिक्रमण को 15 दिवस में हटाने के निर्देश दिए। सागर के नया बाजार में बख्शीखाना स्थित मार्केट को G+2 के नए मॉडल के साथ बनाने की योजना पर काम करने का निर्णय लिया गया है। ये जानकारी नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने सागर में नगर निगम और स्मार्ट सिटी के विकास कार्यों की समीक्षा के पश्चात आयोजित प्रेस वार्ता में दी। और दुकानदारों को अच्छी पक्की दुकान भी बनकर मिल जाएगी तो इस पर भी योजना बनाने का निर्णय हुआ है। इसके साथ तो जो हमारा एनिमेटेड कॉरिडोर का काम स्मार्ट सिटी के माध्यम से चल रहा है, ये काम भी हम लोगों को मार्च तक वहाँ से हटाएगा और जितना भी उसमें खर्चा होगा वो खर्चा उस कंपनी के बिल में से माइनस नगर निगम कर देगी, उतना पैसा कंपनी से हम लोग काट लेंगे, जिससे कि समय पे हमारा ट्रांसपोर्ट नगर स्वीप हो जाए। वैसे ट्रांसपोर्ट नगर का अभी शुरुआत की दृष्टि से देखें तो लगभग हम स्मार्ट सिटी की तरफ से एक पूरा उसका नोट बनवा के कौन सा काम कितने परसेंट हो गया है, कौन सा काम कब तक हो जाएगा, ये पूरा हम मीडिया में जाते हैं। सर, पिछले महापौर कार्यकाल में 2 करोड़ की लाइट सौंदर्यीकरण की लगाई गई थी तालाब के चारों ओर, उसके लाइटों के खम्भे भी पता नहीं है और उनके बोले तो जाली भी पता नहीं है, ना कहीं पता देख रेख में रखे गए हैं, वो कहाँ वो लोग आएंगे इसके बारे में जानकारी दी। सर, इसमें एक कुछ ही दिन बाद खराब हो गए। सर, इसमें एक सवाल मैं भी जोड़े दे रहा हूँ कि जितना देखिए महापौर जी अब नई परिषद बन गई है और महापौर जी इसकी जांच कराएंगे और जांच में जहां पर जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई होगी। टीवी के लिए सागर से बीपी पटेल की रिपोर्ट। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।